प्रार्थना कर रहा हूं, मत सुनिए। तो ये करना चाहिए कि आप जैसे अच्छे नागरिकों के लिए काम करना चाहिए, तो मैं ये कर रहा हूं। उसके बाद उनकी बेटी ने उसको आगे बढ़ाया, गरीबी को भी बढ़ाया और नारे को भी बढ़ाया। उसके बाद बेटी के बेटे ने बढ़ाया, उसने भी गरीबी बढ़ाई और नारा भी बढ़ाया। गरीबी बढ़ती है और नारा बड़ा होता जाता है। फिर बेटे की बेटी की भीड़ों ने रिमोट कंट्रोल से देश चलाया, 10 साल होगी, तो उसको लगा कि चलो हम भी इनको गुरु बना दे। तो उसने पत्र व्यवहार किया उनके चेले, बार बार बोलती जा रही है और करने में कुछ नहीं। कब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद इस संवाद में शामिल होने के लिए। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस संवाद में शामिल होने के लिए। हमें खड़े होने के लिए आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा घर मेरा चमन, ये मेरा वतन, ये मेरा घर मेरा चमन, आकाश छाया और चाहता जो पहले इस हमारे देश को पार्टियां लूटती रही, कांग्रेस ने सबसे ज्यादा इस देश को लूटा, और जब से हमारा चौकीदार आए माने मोदी जी, जब से देश का एक एक रुपया, जो बेईमान लोग थे बेईमानी कर रहे थे, देश का एक एक रुपया बचा है और देश के विकास के रास्ते बहुत आगे बढ़े हैं, देश आगे बढ़ रहा है और सब माने मोदी जी के साथ पूरे देश खड़ा हुआ है। तो जब से चौकीदार बने हैं, जब से देश का जो बाहर पैसा जा रहा था वो सब रुक गया है और देश की तरक्की हो रही है। देखिए ये जो कार्यक्रम है कि मैं भी चौकीदार हूँ, ये हमारे मोदी जी ने एक नारा जो दिया है मैं भी चौकीदार हूँ, हम उसमें सभी भागीदार हैं। और अगर हम अशिक्षा के खिलाफ हम चौकीदार हैं, हम भ्रूण हत्याओं के खिलाफ चौकीदार हैं, हम महिलाओं पे होने वाले शोषण के खिलाफ चौकीदार हैं, हम समाज में होने वाली कुरीतियों के खिलाफ चौकीदार हैं, हम जो ये भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ चौकीदार हैं, अगर हम इन चीज़ों के खिलाफ चौकीदार हैं तो विपक्ष के पेट में दर्द क्यों होता है? कारण यही है कि उनको जो उनकी नीतियाँ हैं वो उनकी चल नहीं पा रही है, इसलिए वो परेशान है।